हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्गोरिथम के बेसिस पे तीन स्टॉक्स हैं, तीन इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो हाँ मुझे लगता है कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, 3 से 6 महीने का टाइम है आपका, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली मैंने अपना एल्गोरिथम जो कि मैं यूज़ करता हूँ और उसी एल्गोरिथम के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ये निकाले हुए हैं, जिनमें अभी रिसेंट बेसिस पर कुछ टाइम फ्रेम रिसेंट अभी हमें जो बेसिकली सिग्नल्स मिले हैं। ये बेसिकली मेरा पैसिव इनकम क्लब का पार्ट है, पैसिव इनकम क्लब जहाँ पर मैं अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट आइडिया लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो उसी का ये पार्ट है और उसी में से कुछ 3 स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जिनको मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो सबसे पहला जो नाम आता है गाइस, वो आता है आपका सुबिन फार्मा का। और सुबिन फार्मा का अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वीकली चार्ट पैटर्न पे, तो अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये बेसिकली मेरा एक मैजिक बैंड है। बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में कि मैं नॉर्मली मूविंग एवरेजेस का हाई और लो का बैंड यूज़ करता हूँ अगर मुझे हैकनासी कैंडल पे काम करना है। तो बेसिकली मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में हैकनासी पे अपनी मेरा बेसिकली ये स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट की हुई है और स्ट्रैटेजी का आउटपुट और इसका रिजल्ट मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी, वो वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो देट आप उसे रेफर कर सको। तो मूविंग एवरेजेस का अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम है तो 5 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज का हाई और लो का बैंड बना सकते हो। ये मैंने 20 डेज का मूविंग एवरेज का हाई एंड लो बनाया हुआ है क्योंकि मुझे ये पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे स्टॉक्स सजेस्ट करने थे। तो ये बेसिकली देख सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट पैटर्न पे देखोगे तो आज तक अभी तक सुबिन फार्मा ने अपने बैंड को ब्रेक डाउन नहीं दिया, यानी सुबिन फार्मा अभी भी स्टिल देर इज इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और आप देख सकते हो कि अपनी बैंड से सपोर्ट लेने के बाद रिवर्स हुआ है विद द बुलिश हैकनासी कैंडल पैटर्न। मतलब हैकनासी में हमारे 3 ही तरीके के कैंडल पैटर्न बनते हैं, एक आपका डोजी बनता है जिसके बारे में मैंने बताया ऑलरेडी, एक आपका बुलिश बनता है और या आपका एक बियरिश बनता है। तो हमारा यहाँ पे बुलिश हैकनासी पैटर्न बन रहा है और सस्टेनेबल है, मतलब आगे भी एक नया बुलिश हैकनासी पैटर्न बना है तो कंटिन्यू मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये रैली सस्टेन करेगी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखे सुबिन फार्मा में। और अभी रिसेंट अपने रिसेंट हाई को भी सुबिन फार्मा ने ब्रेक किया था रिसेंट ऑल टाइम हाई को, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अब अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको दिखाऊं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सुबिन फार्मा का जो हैकनासी का कैंडल पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से रिवर्स हुआ है और अभी भी हमारे पास एक बुलिश हैकनासी कैंडल्स सस्टेनेबल है यहाँ पे। तो जैसा कि इसने अभी अपने रिसेंट हाई को तोड़ा है और वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे पोटेंशियल दिखते हैं मुझे सुबिन फार्मा में। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह के हिसाब से आप इसे 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पे होल्डिंग रखी जा सकती है, आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा नाम जो आता है गाइस, वो आता है कजारिया सेरामिक्स का। कजारिया सेरामिक्स का भी अगर वीकली चार्ट देखते हो आप, ये सारे बेसिकली मेरे एल्गोरिथम के बेसिस पे निकले हुए स्टॉक्स हैं, उन्हीं में से मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हुए हैं जिनमें अभी रिसेंटली सिग्नल मिला है। और कजारिया सेरामिक्स में भी देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे अभी तक एक कंसोलिडेशन फेस में था अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखे, और इसने वीकली टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है बुलिश हैकनासी के साथ में। और अभी भी क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी बैंड है उससे ऊपर ही स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यानी देयर इज अ ट्रेंड इन द स्टॉक, मैं इस स्टॉक के साथ अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ और अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम है कजारिया सेरामिक्स में। अगला जो नाम आता है गाइस, इस कजारिया सेरामिक्स का हम अभी डेली चार्ट भी देखते हैं, तो अगर आप देखो कि डेली चार्ट पैटर्न में भी हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा एक कंसोलिडेशन फेस के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है हमारी जो SMA की जो बैंड है उसको विद बुलिश हैकनासी के साथ में। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो जो लोग थोड़ा सा डिटेल नहीं समझना चाहते हो वो मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एक हमारा अभी तक कंसोलिडेशन फेस में था कजारिया सेरामिक्स डेली टाइम फ्रेम पे देखें, फिर अभी रिसेंट हमारा काफ़ी अच्छे जो लिलीपुट कैंडल्स बनी हैं उसको ब्रेकआउट हुआ है विद द
जो हमारी बैंड है उसकी हायर हाइस को ब्रेकआउट हुआ है विद द वॉल्यूम, आप देख सकते हो विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक्सपेंड हुआ है, तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है कजारिया सेरामिक्स के लिए। तो मुझे लगता है कजारिया सेरामिक्स भी एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास में, अगर आप 3 से 6 महीने के लिए ट्रेड लेना चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के तरीके मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर आपको आपकी कैंडल हेकनासी की कैंडल अगर आपको ब्रेक डाउन देती है इसके बैंड को तो आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो आगे फर्दर ऑन जो भी रैली सस्टेन रहती है तो उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तीसरा जो नाम आता है गाइस जो हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पर है, तीसरा नाम आता है BEML का। BEML भी काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेस में था और एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद अभी मुझे लगता है इसने अपनी बैंड को तो ब्रेकआउट दिया ही है, जो हमारा स्ट्रैटेजी का मेन फोकस है कि बैंड को ब्रेकआउट होना चाहिए वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को 1353 रुपये का जो प्राइस अभी रिसेंट चल रहा है इसका भाव, अगर इसको ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन करता है हेकनासी कैंडल पैटर्न पर तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है लगभग इस रेंज का क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न में इस रेंज का हम पहला टारगेट रखते हैं, तो लगभग ये इतना रेंज का काफ़ी अच्छा टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक लिलीपुट कैंडल्स बन रही है और लिलीपुट कैंडल बनने के बाद हमारी हेकनासी ने हमारी बैंड को ब्रेकआउट दिया है मूविंग एवरेज के 20 हाई को। तो साथ ही में जो अगर वॉल्यूम्स भी देखोगे तो ये बेसिकली तीनों स्टॉक्स को जो मैंने दिया है इसमें 5 डेज के मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट, जो मूविंग वॉल्यूम का मूविंग एवरेज सॉरी 5 डेज का वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है उससे ज़्यादा वॉल्यूम थे अभी जो रिसेंट वॉल्यूम्स बने हैं, तो यानी वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम भी सस्टेन कर रहा है, साथ में ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स निकल के आते हैं अभी मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि जहाँ पर अगर आप 3 से 6 महीने के लिए रखना चाहते हो तो यस 3 से 6 महीने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हमारा सुवेन फार्मा का। सुवेन फार्मा काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, बैंड को हमें ब्रेकआउट मिला है, और दूसरा सुवेन फार्मा के अलावा कजारिया सेरामिक्स को ब्रेकआउट दिया है साथ में कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि ये ब्रेकआउट, और अगर ये जो बॉक्स ब्रेकआउट हुआ है अगर ये सस्टेन करता है 1 से 2 दिन में, क्योंकि ये वीकली चार्ट पैटर्न भी दिखा रहा हूँ, तो अगर ये 1-2 दिन में सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली है, क्योंकि हालांकि तो ये ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, लेकिन अगर ये रैली को सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छी यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड लॉन्ग टर्म अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं हम यहाँ से। तो कजारिया सेरामिक्स भी एक काफ़ी अच्छा एक ट्रेड हो सकता है आप लोगों के लिए। तीसरा जो नाम है वो है हमारा BEML। BEML में भी क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न बना है साथ में कंसोलिडेशन फेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला है हमारी बैंड को, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन तीनों स्टॉक्स में स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस लगाए अगर मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, ATR यूज़ कर सकते हो, अगर वाइज सिंपली रखना है आपको तो आप देखिए कि अगर आपकी कैंडल अगर आप हेकनासी कैंडल यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी हेकनासी कैंडल आपके ब्रेक डाउन दे देती है आपकी बैंड को तो उस स्टॉक से आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, या आप आगे जो भी रैली मिलती है और अगर वो आपकी बैंड को ब्रेक डाउन देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके जितना भी है वो निकल सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, स्टॉप आप मूविंग एवरेजेस के साथ में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, ये 3 स्टॉक्स मुझे बताने थे, अभी बेसिकली हम कहीं बाहर है तो दैट्स अ रीज़न फेस कैम वीडियो तो बना नहीं पा रहे, लेकिन ये 3 बेसिकली आई थॉट कि मैं आपको बीच में जो भी हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पे जो स्टॉक्स सजेस्ट हो रहे हैं उनमें से कुछ एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताऊं। तो ये वीडियो का मेन टॉपिक था आज कि 3 स्टॉक्स हैं, इनमें आप इन्हों अपनी वॉच लिस्ट में रखो, अगर आपको इस रैली सस्टेनेबल दिख रही है तो आप पोजिशनल ट्रेड अच्छी तरह से पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाने के मौके हैं। पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पर हम ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया सजेस्ट करते हैं लोगों के साथ में, उनके साथ क्वेरी डिस्कस करते हैं, आने वाले टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ सोचा है, लाइक जैसे कि मैं उन लोगों के साथ जो भी हमारे पैसिव इनकम क्लब ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ मैं अपने जो भी प्रोसेस नोट्स हैं और जो हमारे सिस्टम के प्रोसेस नोट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आप हमारे पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ज्वाइन करने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो
तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।